अस्सलाम वालेकुम। नसला टावर को बम से उड़ाने का फैसला किया है, ये फैसला दिया है चीफ ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने। नसला टावर शरा फैसल पर एक ऐसी इमारत है जिसे गैर कानूनी करार दिया गया और उसे तोड़ने के अहकाम दिए गए थे, लेकिन वो पूरे नहीं हो रहे थे। कमिश्नर कराची उसे नहीं तोड़ रहे थे, नोटिस जारी हो रहे थे। चीफ ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने आज जो हुक्म दिया है उसके तहत उन्होंने ये कहा है कि फौरी तौर पर बिल्डर से पैसे दिलवाए जाएं तमाम मुतासरीन को, यानी कि 44 ये फ्लैट्स हैं, 2.5 करोड़ रुपए का एक फ्लैट है, 1 अरब 10 करोड़ रुपए जो मालिक हैं फ्लैट्स के उनको अदा किए जाएं और फौरी तौर पर खाली करवाया जाए। 2 दिन के अंदर ये रिपोर्ट दी जाए, यानी कि 27 तारीख तक ये रिपोर्ट दी जाए कि बिल्डिंग खाली हो गई है और 1 हफ्ते के अंदर बिल्डर से पैसे दिलवाए जाएं और इनको कहीं और आबाद किया जाए। अब ये हुक्मनामा आ गया है, बिल्डर देगा। बिल्डर बीमार है, बहुत बुरे हाल के अंदर है। बिल्डर बुजुर्ग हैं अब्दुल कादिर कातियाना, इनका नाम है। अब उनकी कास्ट इस तरह की मैं सही प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूं, मेमन बिल्डर है। अदालत के इस फैसले के बाद सिनेरियो क्या है? सिनेरियो यही है, कमिश्नर कराची ने खाली करवा के बम से उड़ाना है और कंट्रोल्ड एमुनिशन ब्लास्ट यहां पर होना है नसला टावर में। हुक्म दिया गया है कोई जानी माली नुकसान नहीं हो, इस इमारत को गिरा दिया जाए। हुक्म दिया गया है नसला टावर के मालिक से रकम ली जाए और रकम लेने के बाद मुतासरीन को दिलवाई जाए। वहां पे बच्चे हाथ जोड़े खड़े हैं, बच्चियां हाथ जोड़े खड़ी हैं। नुकसान हुआ है और मुसलसल इस नुकसान ज़हनी अज़ियत है उन सारे लोगों को, लेकिन अदालत ने यह फैसला दे दिया कि इसको बम से उड़ा दें, नसला टावर को बम से उड़ा दें। 16 जून को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, उसके बाद 22 सितंबर वाले हवाला दिया गया था जिसमें नोटिस दिए गए थे कि बिल्डिंग को खाली कर दें। बिल्डिंग को खाली करने के बाद डिप्टी कमिश्नर ने फिरोजाबाद थाने से मदद दी थी, उसके बाद दरख्वास्त दी गई थी नज़रसानी की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस नज़रसानी की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था। फिर पूरे शहर के लोग जमा हो गए थे, सियासी जवाते जवाब शुरू हो गई थी, उन्होंने वहाँ पे बहुत एहतजाज किया। सियासी जवातों समेत बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है, जो कि बहुत बेहतर नज़र आता है कराची के लोगों के, इस्लामाबाद के अंदर दोहरा मैार देखने में आया और कराची में दोहरा मियार नज़र आ रहा है। गरीबों के लिए फैसले कुछ और हैं, अमीरों के लिए कुछ और हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हयात रेजेंसी होटल को जो है वो रेजेंसी को लीगल करार दे दिया था और यहाँ पर पूरे प्लॉट के अंदर मसला नहीं है, इसमें तो 30% प्लॉट के अंदर मसला है, बाकी प्लॉट लीगल है, लेकिन बहरहाल इसको तोड़ने का बम से उड़ाने का फैसला दिया गया है। अब ये बम से उड़ाने का फैसला अमल दरामद होगा या नहीं, कुछ चीज़ें मैं आपको एक क्लिप सुनवाता हूँ जो वहाँ की कमेटी है उसके रूह रवा हैं मोहम्मद अली साहब, वो क्या फरमाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तमाम मीडिया हाउसेज और तमाम मीडिया वालों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी बात जो चीफ जस्टिस तक पहुँचाई, और मैं सुप्रीम कोर्ट का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज जो फैसला दिया है वो काबिले एहतराम और काबिले कबूल है। हमारा जो मुतालबा था कि हमारी जो पेमेंट्स है वो हमें दिलवाई जाए, तो उन्होंने कमिश्नर साहब को इस चीज़ का पाबंद किया है कि वो हमारी पेमेंट्स हमें दिलवाए और फिर बेशक बिल्डिंग खाली करवा के उसे गिरा दें। तो लिहाजा मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप तमाम मीडिया मेम्बरान का और तमाम अदलिया का और चीफ जस्टिस साहब का कि उन्होंने ये फैसला किया है। बस चीफ जस्टिस साहब से एक और गुजारिश ये है कि वो उसके ऊपर फौरी अमल दरामद कराएं, हमें हमारे पैसे जल्द से जल्द दिलवाएं और फिर बेशक हम अपने घरों को खाली कर देंगे, और जैसे ही हम अपने घरों को खाली कर दें वो बेशक बिल्डिंग को डिमोलिश करने की प्रोसेस शुरू कर दें। जज़ाकअल्लाह खैर। अब आपने मोहम्मद अली साहब की गुफ्तगू सुनी, मोहम्मद अली साहब कह रहे हैं कि पहले हमें पैसे दिलवाएं फिर हम घर खाली करेंगे। फैसले के अंदर यह है कि 2 दिन के अंदर खाली करें
बिल्डिंग को बम से उड़ाएं और 7 दिन के अंदर इनको पैसे दें। तो अब इसके अंदर थोड़ा सा वो है, लेकिन बहरहाल वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की के हक में हैं। शुक्रिया अदा कर रहे हैं जिस पाकिस्तान का, शुक्रिया अदा कर रहे हैं मीडिया का। जाहिर एक बड़ी स्ट्रगल थी, लेकिन बहरहाल अभी जो एग्जीक्यूशन वाला राउंड है वो बाकी है, और इस एग्जीक्यूशन वाले राउंड के अंदर कैसे सिंध हुकूमत ये काम करेगी, कमिश्नर कराची बिल्डर से ये पैसे दिलवाएंगे, 1 अरब 10 करोड़ रुपए बिल्डर ने अरेंज करने हैं, वो बिल्डर दिवालिया है उसके बारे में कहा जा रहा है, लेकिन उसके बहुत सारे और जो फैमिली मेंबर्स हैं वो बड़े बिल्डर्स हैं। तो इस फैसले के खिलाफ रिव्यू में जाया जा सकता है। मैं भी एक साहब से बात कर रहा था, उन्होंने कहा इस फैसले के खिलाफ भी रिव्यू में जाया जा सकता है, जिससे ये प्रोसेस लंबा हो जाएगा। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की तारीख में किसी रिहायशी इमारत को उसके कुछ परसेंटेज इनलीगल होने की बुनियाद के ऊपर बम से उड़ा देने का ये अनोखा फैसला है, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने दिया है। और इस फैसले के तहत सिंध हुकूमत को, कमिश्नर कराची को हुक्म दिया गया है कि वो इस बिल्डिंग को खाली कराएं, इन लोगों को बिल्डर से पैसे दिलवाएं जितने रिहायशी लोग हैं, और कंट्रोल एमुनेशन ब्लास्ट करके इस बिल्डिंग को गिरा दें। अब देखते हैं क्या होता है। मेरे ख्याल में ये जो सर जोड़ के बैठने वाले आबाद के लोग हैं, जाहिर है वो अपने बिल्डर अब्दुल कादिर का साथ देंगे, उनके साथ बैठेंगे, फैसले की कॉपी आज रात को या कल आएगी, और उसके बाद फिर वो अपील में जाएंगे और फिर इसको लंबा खींचने की कोशिश करेंगे। 1 अरब 10 करोड़ रुपए अचानक से किसी के पास होना इतना आसान नहीं है, जाहिर है कि इसमें वक्त चाहिए। और दूसरा रास्ता इसका एक और ये है कि इस प्लॉट का जो इनलीगल हिस्सा है खाली, उसको तोड़ा जाए, लीगल हिस्से को दोबारा से काबिल इस्तेमाल किया जाए, और 2 या 3 या 4 फ्लोर्स और बना के सब लोगों को यहीं अकोमोडेट किया जाए, इस लाइन पर भी बात हो रही है। लेकिन बम से उड़ाने का फैसला अदालत ने दिया है एक रिहायशी इमारत को जो कि इनलीगल है, और ऐसी तरह का, बिल्कुल इसी तरह का फैसला, इसी तरह का मामला इस्लामाबाद में था, जहाँ पर रेगुलराइज कर दी गई, और वहाँ पे बड़े VVIPs के, बहुत अहम लोगों के, वुजरा के, सेनेटर्स के, जज साहिबान के, बहुत अहम लोगों के फ्लैट्स हैं, और उसको लीगल कर दिया था। वो पूरी की पूरी इलीगल जगह थी, ये थोड़ी सी इलीगल जगह थी, लेकिन पूरी बिल्डिंग को बम से उड़ाने का ऑर्डर दिया। प्रोग्राम यह ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए, पाकिस्तान जिंदाबाद।